इसे क्लिक करना है, ठीक है। इसे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करो, तो ये देख सकते हैं यार ग्राफिक बहुत ही कमाल के हो चुके हैं, ऐसे जैसे मेरी कंप्यूटर के अंदर बहुत ही हैवी कार्ड लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। Watch out if you ignite me, so roll the head of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I beat him. What's up guys, welcome back to another GTA 5 video. तो यार आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने किसी भी ग्राफिक कार्ड के जरिए भी आप लोग GTA 5 को बना सकते हैं बिल्कुल RTX 4060 के जैसा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार RTX 4060 के जैसा अगर आप लोगों को GTA 5 अपने बनाने हैं, यानी कि बहुत ही हैवी सारे ग्राफिक इंस्टॉल करने हैं, बहुत ही इसको असम लुक देनी है, लेकिन आपकी गेम फिर भी लैग ना करे, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे आपको, तो आप लोगों को देख लेना सिंपली ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरी एक बहुत ही मुफीद सलाह है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज आप तक पहुँचते रहें और सबसे पहले पहुँचते रहें, तो ताकि उसके साथ जो घंटा होगा ना उसको भी बजा लेना, तो मैं आपकी बजा दूंगा। ओह सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। तो चलते हैं यार वीडियो की तरफ। आपको आ जाना GTA 5 के GTA 5 मोड वाली वेबसाइट पे, और सबसे पहले वाला लिंक को जो है वो क्लिक कर लेना है, लिंक को क्लिक कर लेना है। तो नेट थोड़ा स्लो है, एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। पहले वाले लिंक को क्लिक हुआ ही नहीं अभी तक, क्लिक कर लिया। उसके बाद जो है आपको जाना है सबसे पहले जो है आइकन बेस पे आपको लिखना है VUL5 लिखते ही आपको एंटर सर्च करना है, तो सबसे पहला जो आपको मिल जाएगा VUL5, इसे आपको कर लेना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। नेक्स्ट जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, एक और उसे क्लिक करना है, तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। शो इन फोल्डर आपको कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको कट करके ले आना है इसको इस पर डेस्कटॉप पर लाने के बाद जो है आपको इसे एडजस्ट कर लेना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कैरी कर लेंगे ताकि जो अपने फाइल मिक्स ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक्सट्रैक्ट हुई फाइल लग रहा देंगे, ये चारों फाइल एक्सट्रैक्ट हुई हुई है। ओपन आईवी को ओपन कर लेंगे, उसके बाद ओपन आईवी को ओपन करने के बाद आपको GTA 5 की विंडोज़ पर क्लिक करना है, ठीक है। नीचे विंडोज़ क्लिक होगा उसको क्लिक करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है लाइक उसके लाजमी करना है, गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद जो है कुछ देर में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एडिट मोड ऑन कर लेना है, ठीक है। एडिट मोड ऑन करने के बाद आपको जो है जाना है इसमें क्या कहते हैं यार इंस्टॉलेशन विया जो है इसको अपने ओपन कर लेना है, लेकिन इसको भी बात करेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि ज़रूरत है यहाँ पे इसको जो है ना कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जो है इंस्टॉल करना है, सॉरी जो है भूल गया था मैं, इंस्टॉल इसको कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल यहाँ पर करना है आपको हमेशा से मोड फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है, ठीक है। मोड फोल्डर में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल कंफर्म करना है, तो ये कुछ देर आपकी लेगा, 2 मिनट या 1.5 मिनट, तो ये आपका इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ज़रा हेडफोन भी मैं पहन लेता हूँ, तो इसको कर लेंगे यहाँ से क्लोज, ठीक है। उसके बाद जो है अपने जो है सेकंड वाले ऑप्शन को खोलेंगे, ये सारे अपने हैं ग्राफिक्स, ठीक है। इनको इंस्टॉल करने के बाद आपकी GTA 5 बिल्कुल ग्राफिक दिखने वाली है, तो लाजमी से देख लेना, ठीक है। एडवांस मोशन मतलब पहले वाले जो है इस पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये एडिट मोड को यहाँ से ऑन कर लेंगे, ताकि यहाँ पे कुछ भी हम कॉपी पेस्ट कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको 2 फाइल जो है ये वाली ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली कर लेनी है इसके अंदर, ठीक है। वो जो नीचे से आपको शो हो जाएगा 84 आइटम्स हो चुके हैं। उसके बाद ये शेडो है साइज, ये जो 2 वाली फाइल है ये भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली कर लेनी है। अगर ना हो रही हो तो आपको जो है ऊपर से देख लेना एडिट मोड आपका ऑन है कि नहीं, ठीक है। तो ये मैं बार बार चेक कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे समझ नहीं लग रही, मैंने पहले देखा नहीं था कि नीचे क्या जो है ना शो और 84 86, ठीक है। उसके बाद मुझे पहले देख लिया था। उसके बाद जो है आपको ये 2 फाइल जो है ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है सिंपली, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली करने के बाद आपको जो है इसमें से ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल करना है अलग से, ठीक है। इंस्टॉल करना है अलग से मोड वाले फोल्डर के अंदर, और कन्फर्म इंस्टॉलेशन 2-3 मिनट के लेगा, उसके बाद ये भी इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही ईजीली, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपका भाई इधर ही इंस्टॉल करवा के जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, कुछ भी स्किप मत करना वरना आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करना भाई ऑप्शनल, उसको तीसरे, और उसके बाद ENV सेटिंग पे जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 फाइलों को छोड़ के हम सारी फाइल जो है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एच वाली फाइल जो है और ये इंस्टॉलेशन वाली फाइल, ठीक है। इसको करके क्रॉस को हम जो है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एडिट मोड आपका ऑन हो गया, लाजमी देखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट में ये है कि फाइल है इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल मोड फोल्डर, ठीक है। मोड फोल्डर में इंस्टॉल करने के बाद जो है
इंस्टॉलिंग हो रही है अभी 2-3 मिनट के लिए। भाई आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन उसके बाद आपकी जी टी फाइव बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है न्यू फोल्डर में बैग जाना है आपको, उसके बाद ये है रिमूव वाले ग्रास जो है रिमूव ग्रास वाले इसमें इसको अब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है भाई हो जाएगा ज़्यादा। ये देखिए ब्लैक वाला ऑप्शन आ रहा है यानी कि आपका एडिट मोड ऑन नहीं है, इसको यस कर लूँगा, एडिट मोड ऑन को कर लूँगा। उसके बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, इसे इंस्टॉल कर लूँगा, फिर से 2-3 मिनट ये लेगा। यानी कि बहुत सारे मोड्स हैं जो इंस्टॉल इकट्ठे करेंगे तो आपकी जी टी फाइव बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लग जाएगी भाई। तो उसके बाद जो है दो मिनट बाद ये भी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको बैक करना है, उसके बाद आपको लास्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो है ये वाले इसमें से भी कुछ फाइल्स आपको कॉपी करनी होंगी, ठीक है। तो फाइल इसमें से भी कॉपी कर लेते हैं भाई, भाई इसमें से फाइल्स ये आई थिंक सो ये सारी के सारी एडिट मोड ऑन कर लेंगे और सारी के सारी फाइल जो है वो कर लेंगे कॉपी, ठीक है। सारी की सारी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ तकरीबन काम खत्म हो गया है इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। ओरिजिनल फाइल यहाँ पे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है जो कि फाइल में उड़ जाते हैं और आपके पहले से भी ख़राब हो जाते हैं तो आपकी ये ओरिजिनल फाइल यहाँ पे सेव होंगी, आप ओरिजिनल फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपको कोई मसला आता है वैसे कोई जरूरत नहीं आपको कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी ये मसला नहीं दे रही तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इसे क्रॉस कर देना है और आपने अपने चले जाना है क्रोम के अंदर। क्रोम के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली गूगल के न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर देखना है रीशेड्स। रीशेड्स को ओपन करने के बाद पहले वाली वेबसाइट में आपको जो है चले जाना है। पहले वाली वेबसाइट में जाने के बाद आपको जो है इसका डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे ओके क्लिक कर लेंगे डाउनलोड। उसका न्यू प्री जो होगा वो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करके जी टी फाइव को क्लिक कर लेना है। जी टी फाइव को क्लिक करने के बाद जो है आपको जी टी फाइव को जो फोल्डर है मेन उसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जी टी फाइव लॉन्चर वाले पे क्लिक करना है यानी कि जो जी टी फाइव जो मेन का आइकन है वो वाला लॉन्च कर पा। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद एनालाइज करेंगे उसके बाद डायरेक्ट X11 12 जो है इस पर क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपडेट मेरा ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है लेकिन इसे मॉडिफाई पर क्लिक करना है, ठीक है। तो पहले से अपडेट कर लेते हैं आई थिंक ताकि मेरा भी अपडेट हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक हो कर देता हूँ तो मेरा जो है अपडेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं जाऊँगा बैक और जी टी फाइव को ब्राउज कर लूँगा। उसके बाद जो है जी टी फाइव को बॉर्डर में जाकर जी टी फाइव को क्लिक कर लूँगा और मेन वाले ऑप्शन पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। मॉडिफाई क्लिक करने के बाद जो है मैं ब्राउज कर लूँगा अपना जो है रीशेड जो है प्री आई एम आई जो है प्री शेड जो है ना वो अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जी टी फाइव जो है इसके नीचे करूँगा, उसको मैं मेन ड्राइव की डेटा भी ओपन हुई है, ठीक है। उसके बाद ये प्री शेड को क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लूँगा मैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है फिर से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा तो मेरा जो है ईजिली यहाँ पे जो है ये सारा कुछ इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली बस आपको यहाँ पर गेम को ऑन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप मेरे गेम में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन अब एक छोटा सा झटका दूंगा मैं, एक बटन दबाऊंगा और जी टी फाइव बिल्कुल RTX 4060 जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है नंबर बटन को, और मेरा नंबर है जो 7 है आपको देख लेना कंट्रोल। तो भाई यहाँ से मैं जो है क्लिक कर लूँगा रीशेड्स को, ठीक है। 7 नंबर का जो नंबर होते हैं उनमें 7 नंबर मेरा आप अपना देख लेना कंट्रोल से। तो रीशेड में जाकर सेट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये नहीं हो रहा तो रीशेड वाले ऑप्शन में reset.ini जो है ना इसे क्लिक करना है, ठीक है। इसे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं यार ग्राफिक बहुत ही कमाल के हो गए। ऐसे जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर बहुत ही हैवी कार्ड लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। RX 560 जो कि बिल्कुल मिड रेंज वाला ग्राफिक कार्ड है, तकरीबन 25,000-26,000 का ही ग्राफिक कार्ड सिंपली आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, HDR का HDR ऑफ करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन मैं इसे छेड़ता नहीं हूँ, जो इन्होंने मुझे दिया हुआ है डिफॉल्ट में मैं उसको वही रखता हूँ। आपको अगर अपने हिसाब से कुछ अच्छा लगता है तो आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। ओके 19 कहाँ पे गिर गया। तो बस यार यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे पता है आपको पसंद आई है ना, पसंद आई है आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी ग्राफिक बहुत हैवी मैंने कर दी है। तो यार सब्सक्राइब लाजमी कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
आपको जिस वीडियो पे टॉपिक चाहिए मुझे Monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him.